हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर शी कहीं जाने की तैयारी हो रही है, मतलब आसपास ही कहीं निकलना है इसको। तो अभी ये ना बोले ना कि चेंज कर लो थोड़ा सा, और कुछ सामान वामान लाना होता है तो इनके साथ ही चला जाता है। साथ में अभी ये मास्क पहन रहे हैं, और स्पर्श को भी बोले कि स्पर्श आप भी मास्क पहन लो। दोपहर में भी नहीं सोना है स्पर्श को, देखिए अभी मस्ती चल रहा है। मैं इधर लेटी हुई थी, तेज नींद आ रही है, जगा दे रहा है। लाइट ऑफ की थी, ये जाके यहाँ का लाइट जला दिया है, और पूरा रूम अंधेरा किया। उसको नींद आ जाए, इसको कहाँ नींद आने वाली। चुपचाप सो जा ना बेटा, आधे घंटे सो जा, मम्मा को नींद आती है। सो जाओ, यहाँ सो, नींद कर लो स्पर्श, नींद कर लो बेटा, मम्मा को नींद आ रही है। सो जाओ, आँख बंद कर लो। इधर दिखाओ तो, आँख बंद की हो कि नहीं? आँख बंद करो, मुंह तो खुला हुआ है, माउथ भी क्लोज करो। हाँ, ऐसे सो जाओ, आंख बंद करके इधर साइड से सो जाओ। मम्मा यहाँ सोई है। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। जल्दी आ जाओ, मम्मा नहीं तो चली जाएगी, आप छूट जाओगे यहीं पे। जा रहे हैं बाहर, अब कुछ ना सामान लेना था तो वही निकल रहे हैं। धीरे धीरे कर रहा है ना, क्योंकि इसको अभी ट्यूशन भी पढ़ना है। हाय एवरीवन, कैसे आप सब? स्पर्श जाओ, स्पर्श को सू करने जाना है, बट मेरे से इसको पूछ के जाना होता है कभी भी। तो बस आ गई आप लोगों से मैं बात करने। मैं थोड़ी देर पहले ना एक मम्मा अर्थ की वीडियो शूट करी, एंड उसके बाद मैं सोची कि चलो अब ब्लॉग को कंटिन्यू। आज मेरे को ना थोड़ा सा, मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा मेरे को लग रही थी, और एकदम सुस्त सुस्त सा, मतलब अजीब सी हो रही है। पर मन हो रहा है ना कि सोते रहूँ, ऐसे ही हो रहा था। तो बस मैं मॉर्निंग से मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ ब्लॉग, मैं जा रही हूँ। इस रूम में बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, सब फोल्ड करना है, और अभी शाम हो ही क्या है, तो मुझे कुछ नाश्ता भी बनाना है, और फिर हम लोग बाहर भी जाएंगे, कुछ होटल्स वगैरह देखना है स्पर्श के। और स्पर्श का कल हम शॉपिंग करके आए थे ना, तो रात में तो ठीक था, आने के बाद हम बाहर से ही डिनर करके आए, बट उसके बाद अभी तक वो जो भी चीज़ें लेके आए हैं उसको मैंने ओपन करके भी नहीं देखा है कि क्या लेके आए हैं क्या नहीं लेके आए हैं। तो उसको भी मैं जा रही हूँ करने। मुझे ये एक ड्रेस दिलाए हैं, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा हैवी कुछ लेना नहीं था, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, लेकिन इनको था कि एक इस वर्ष के बर्थडे पे मुझे दिलाएंगे, तो मैंने लॉन्ग ड्रेस लिया है, बट उसकी फिटिंग नहीं होती। फिर मुझे कल उसको जाना है फिटिंग कराने के लिए, मतलब बाजू लगवाऊंगी। स्लीवलेस अच्छा लग रहा है, बट स्लीवलेस में नहीं डालूंगी, उसमें ना मैं बाजू लगवाऊंगी। थोड़ा सा बाजू सही रहता है, क्योंकि ना ससुराल में भी डाल लेती हूँ अगर बाजू लगा हुआ रहता है तो। चलिए फिर थोड़ी देर से। क्या लिए हो? मेरी शुगर वाली लिपस्टिक जो मैं मंगाई थी ना, चार जो दिखाई थी ब्लॉग्स में, कल वाले ब्लॉग्स में शायद दिखाई थी, उसका जो रैपर है वो उससे वो खेल रहा है। एक सुबह में झाड़ू लग गया, तीन बचा हुआ है, उसमें से एक गायब हो गया, एक बचा है। थोड़ी देर उस टाइम गए थे लोग, हम लोग तीन बजे के आसपास नहीं, 3:30 हो रहा था, तो हम गए थे बाहर कुछ सामान लेके आना था। तो मैगी के लिए ना पानी गर्म कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैगी बनाना है मुझे। ये मम्मी ने जो सत्तू दिया था वो है, और स्पर्श से पूछी क्या खाना है तो बोलता है नूडल खाना है, पता नहीं कितना है, एकदम थोड़ा सा है, देखती हूँ उतना ही बना देती हूँ। वैसे ना ये नूडल्स ला के रखे हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और मेरे पास शिमला मिर्च भी नहीं है, और बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है। ऐसे मैं डब्बे में बहुत सारे सामान करके रख देती हूँ, और ऐसे बड़े बड़े डब्बे मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि एक साथ ना सामान अगर अब कुछ कुछ निकालते हैं डब्बा भर जाता है, फिर पोलोथीन में रह जाता है, तो ऐसे में रख देती हूँ। तो देखते हैं कितना मैगी है इसमें। मैगी एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, बस ये थोड़ा सा, मतलब समझ लो ना कि 5 रुपये वाली भी मैगी नहीं है मेरे पास, अभी इतना कम बचा हुआ है, लेकिन अब इसी का बनाती हूँ मैं। और मैगी मसाला तो बहुत सारा, इतना सारा 3 पैकेट बचा हुआ है, बट इसमें तो एक ही यूज़ होगा, इतना सा मैगी में कितना मैगी मसाला। पानी भी अभी खोलने लगे हैं, चलो इसको डाल देते हैं, क्योंकि बिना ऑयल वाली मैगी बन रही है। 5 मिनट में ये हो गया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, और मैं इसको खोलने देती हूँ अभी, थोड़ा सा इसको मिक्स कर दूँ। मिक्स करने के लिए स्पून, ये हो गया, ये पक रही है। तब तक मैं निकाल लेती हूँ ये रामदाना, जो जन्माष्टमी के दिन मैंने भुना था ना, वो ये पड़ा हुआ है, डबदाना पड़ा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा निकाल लेती हूँ खाने के लिए, देखती हूँ कैसा लगता है। कभी मैं ऐसे तो खाई नहीं हूँ, बट अच्छा ही लगेगा ना ऐसे प्लेन प्लेन खाना।
स्पर्श ये देखो क्या निकाली हूँ, जा रही हूँ स्पून से या फिर चीनी मिक्स करके खा सकते हैं क्या? आप लोग ऐसे खाते हो? चीनी मिक्स करके हम खा सकते हैं शायद इसमें। चलो स्पर्श ये खाते हैं। ये क्या है बताया, पता है आपको क्या है? पता नहीं तिले करके भाग रहा है, इधर मस्ती में है वो अभी। स्पर्श को इसका टेस्ट समझ नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे खा रहा है। देखिए कैसे खा रहा है, क्योंकि इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और अभी शाम को हम लोग मैगी खा लिए हैं, उसके बाद मैं शाम का दियाबाती करने के लिए आ गई हूँ मंदिर के पास। और स्पर्श दूर से देख रहा था मैं बुलाई कि आ जाओ, तो अभी वो ना बिजी था, कुछ करने में बिजी रहता है वो, अपने में ही ना कुछ करता रहता है, वही उसकी दुनिया होती है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे मैं अभी नीचे मैं एक छोटी से ना डब्बे में रखती हूँ, और अभी वो आ गया खुद से, उसको जब भी पूजा करती हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको ना साथ में बुला लेती हूँ। और मैं यहाँ सर पे से ना दुपट्टा नहीं रखी हूँ, उसके लिए सो सॉरी, मेरे को ना बिल्कुल याद नहीं आया कि दुपट्टा रख लूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। वैसे तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं रखती हूँ, तो ये इस टाइम पर थोड़ा देर भगवान का ध्यान कर लो तो अच्छा लगता है, मन को शांति भी मिलती है। सुबह के टाइम तो पूजा करती हूँ, और शाम को थोड़े देर के लिए बस दीप जलाना होता है, इतना ही होता है। और देखिए स्पर्श कैसे करता है वो। एंड उसके बाद इसी रूम में ना मुझे यहाँ पे जो अलमारी है मेरी, इसके ऊपर मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या है, कुछ भी रखती हूँ तो ऊँचा ऊँचा सा दिखता था, तो आज मैं सोची कि चलो आज इसको सही कर लेती हूँ, उसमें पता नहीं क्या क्या है। तो यहाँ पर डब्बे वगैरह कुछ पड़े हुए थे, और ये भी था कुछ, ये स्पर्श का दवाई वाला इसमें है, चेंज करना पड़ता है उसकी दवाइयाँ, हम 15 डेज पे चेंज करते रहते हैं जैसे डॉक्टर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, खुद से नहीं। एंड यहाँ पे इसमें सारा सामान मैंने हटा दिया, और इसको मैं कपड़े की हेल्प से इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गया था, देख रहे हैं ना कितना धूल आ रहा है। और वहीं मैं स्पर्श को बोली ना कि स्पर्श आप दूर जाओ यहाँ से ना, आप बेड के पास जाके बैठो, अगर धूल पड़ गया तो फिर सर्दी खांसी दोनों स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे को भी मास्क लगा लेना चाहिए था, बट ध्यान नहीं आया, तो यहाँ पर ना जो धूल था ना उसको मैं ऐसे वो कर रही थी कि हट जाए जल्दी से। वैसे फ़ैन मैंने ऑफ रखी थी, फैन नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं पहले सोची कि कपड़े में बिछा लेती हूँ इसके ऊपर, मतलब तो इतना बड़ा कपड़ा अभी मिला ही नहीं, जब मिलेगा तब मैं इसके ऊपर बिछा लूँगी। उससे पहले मैं न्यूज़पेपर लेके आ गई, न्यूज़पेपर ये अभी फ़िलहाल के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि इस पर भी अगर साफ़ सुथरा रहता है ना, अगर गंदा होगा तो हम न्यूज़पेपर हटा देंगे, या फिर जो भी कपड़ा मैं बिछाऊँगी, अभी मिला नहीं है दुपट्टा वगैरह है मेरे पास, और जब मैं मायके जाती हूँ तो मम्मी मुझे दे देती है, जो उनके एक्स्ट्रा या फिर पुराने सूट वाले रहते हैं काम में आ जाता है कोई कुछ ढकने के लिए। तो यहाँ पे स्पर्श की दवाइयाँ, और इसमें मेरे थोड़े से कोलेब्रेशन वाले सामान हैं जो अभी मेरे यूज़ के नहीं हैं, यूज़ के हैं बट अभी फ़िलहाल यूज़ के नहीं हैं, तो मैं इधर साइड में ही रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ ममा अर्थ के विटामिन सी फेस वॉश और ममा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेज फेस क्रीम की रिव्यू, जो कि आप देख सकते हैं दोनों प्रोडक्ट को। और ममा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, सो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। ममा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिन फ्री होते हैं, साथ ही साथ ये प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं जो रिसाइकिल भी हो जाते हैं, और ममा अर्थ के प्रोडक्ट क्यूटी फ्री भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले यूज़ करने जा रही हूँ ममा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश, जो कि आता है विटामिन सी एंड टर्मरिक के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, और ये एक पंप सिस्टम में आता है, इससे हमें निकालने भी बहुत इजी होता है, जितनी क्वांटिटी में हमें निकालना है उतनी क्वांटिटी में हम निकाल सकते हैं। तो बस मैं थोड़े से अमाउंट में इसको निकालूंगी, और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने फेस को गीला कर ली थी पहले, उसके बाद इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, स्पेशली आपको कंसनट्रेट करना है फॉरहेड एरिया पे, नोज एरिया, चिन एरिया, और अच्छे से हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। और इसके की इन्ग्रीडियंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है एक्वा सोडियम ग्लिसरीन, सोडियम पीसीए, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, कैस्टर ऑयल है, लेमन ऑयल है, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपके स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो इस तरीके से मैं मसाज कर ले रही हूँ, और ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके फेस की स्किन अनइवन टोन हो गए हैं तो उसको इवन करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ अगर आपका फेस काफ़ी ज़्यादा डल हो गया है तो उसको भी ब्राइटन करने में हेल्प करेगा। और इसमें विटामिन सी एंड टर्मरिक है, तो वो तो आपको पता ही है कि हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये SLS फ्री है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, और अगर आपकी स्किन डैमेज हो चुकी तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा।
तो यहाँ पे अच्छे से मैं अच्छे से मसाज कर ली हूँ अपने फेस को, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वाइप कर लूँगी एंड उसके बाद फेस को वॉश कर लूँगी मैं। उसके बाद टॉवल की हेल्प से मैं इसको ड्राई कर ले रही हूँ अपनी, क्योंकि इसके बाद मुझे क्रीम अप्लाई करना है। तो अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ ममार्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम, जो कि मेलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी के साथ आता है। और इस ये जो 30 ग्राम का आता है, और इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस 449 है और सेल्फ लाइफ इसकी 2 इयर्स की दी हुई है। दोनों प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ 2 इयर्स की दी हुई है। एंड फ्रेंड्स, आप ममार्थ के प्रोडक्ट को पर्पल नायका अमेजोन या फिर आप ममार्थ की ऑफिशियल साइट से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब ममार्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप को लॉन्च कर दिया। अगर आप ममार्थ की ऑफिशियल साइट से खरीदते हैं तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं यूट्यूबर सारिका 2021। तो अब मैं यूज करने जा रही हूँ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। ये आता है विद मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी के साथ, और ये अनइवन स्किन टोन के लिए है। मिनरल ऑयल एंड पैराबिन फ्री है ये, और विद बायोएक्टिव एंड ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ले ली हूँ और डॉट डॉट करके अपने फेस पे इसको मैं अप्लाई कर लूंगी इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद इसको मुझे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है। और ये नॉन ग्रीसीज का फॉर्मूला है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कर लूंगी ताकि अच्छे से मेरी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाए। और इसके की इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें है एक्वा, स्टेरिक एसिड, राइस ब्रेन एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे मैंने इस क्रीम को अप्लाई कर लिया है और फर्क देख सकते हैं कितना ज्यादा सॉफ्ट दिख रहा है और मेरे फेस पे ग्लो भी आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। तो इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये ऊपर से मैं निकाली हूँ, इसके ऊपर में ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ मैं बिछा दूँ, बट मुझे कागज़ मिला है, मतलब न्यूज़पेपर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और ये मेरा पॉन्ड्स का क्लियरेंस वाला ना ये डब्बा मिला, मतलब ये जो क्लियरेंस का डब्बा था ना इतना अच्छा था कि मैंने इसको इयर रिंग्स के लिए रख लिया था। और इसमें देखिए मेरे कुछ मिले इयर रिंग्स के, ये देखिए ये वाला इयर रिंग्स मेरा इसी में है, ये ब्लैक वाला, ये नहीं उल्टा दिख रहा है ये, हाँ इस टाइप से है ये, थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखिए वाला इयर रिंग्स मिला है साथ में। एक बार ना बहुत पहले मैंने ये ब्रोच खरीदी थी, उस टाइम पे ट्रेंड में था इस टाइप के ब्रोच, तो मैं इसको कुर्ती में लगाने के लिए खरीदी थी ना। यहाँ पे ऐसे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐसे करके ना मैं तो अच्छा लगता था ना कुर्तीज में लगाई थी मैं एक दो बार, तो ये वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने ये मैं 250 में ली थी, मैं बहुत पहले मतलब तो 4 साल 4.5 साल हो गया होगा, लोकल शॉप से ली थी। और ये एक इयर रिंग्स है जो मेरी दी ने मुझे दिया था दिल्ली जब मैं गई थी। तो और क्या है, हाँ एक ये वाला है, ये मैं अपनी फ्रेंड से ली थी इयर रिंग्स। तो मिल गया ये डब्बा मिल गया, इसमें मेरे बहुत सारे इयर रिंग्स सब आ जाएंगे। और साथ ही साथ स्पॉट्स का कलर मिला है, तो ये कलर जब से उठा रही हूँ ना यहाँ सामने बैठ बैठ के वो देखे जा रहा है, ये वाला कलर मिला है। देखो स्पॉट्स आपका कलर लो आ रहा है। ओह माय गॉड, ये कैसा हो गया है, नहीं ठीक कर लो पहले वो क्लॉथ दो ना, इसको क्लीन कर दो क्लॉथ के नीचे, फिर उतारी हूँ तब से सामने जब मुँह ऐसे बना के और बैठा हुआ है कि मुझे मम्मा दे देगी कलर। बेचारा बोलता नहीं है लेकिन मन मन में कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बहुत अफसोस होती है स्पॉट्स के लिए मुझे कभी कभी। स्पॉश क्या लिए हो, इधर देखो तो कलर अच्छा, ये वाला निकाली मैं, 3 जैगिंग लेके आई हूँ, अभी नहीं लेके आई हूँ, 2 दिन पहले लेके आई, याद ही नहीं आया, दिमाग में ही नहीं आया। ये 2 जैगिंग सेम है लगभग, थोड़ा सा ना इसको इसका जो प्रिंट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक ये वाली जैगिंग कलर लेके आई हूँ, ये मैंने खुद के लिए लिया है ये जैगिंग ब्लैक, पता है बहुत सारी कुर्तियों के साथ ना ये वाली जैगिंग चल जाएगी मेरी, बट कम्फर्टेबल जैगिंग लगता है। और इस जैगिंग के बारे में तो मैं तारीफ इतनी कर दी हूँ कि मैं क्या बताऊँ, इतनी सॉफ्ट, इतना इसका फैब्रिक सॉफ्ट है ना, और पूरा स्ट्रेचेबल, मतलब ये एकदम कॉटन नहीं है और सिंथेटिक भी नहीं है, बट ना आप इसको एकदम गर्मी में भी डाल सकते हो, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है। और ये वाला देखिए, एक और ये मैंने लिया है, पता नहीं क्या गिरा, ये एक और जैगिंग ली हूँ, ये भी ब्लैक सेट में ही है, इसका प्रिंट थोड़ा थोड़ा छोटा है, ये भी बहुत सारी कुर्तियों के साथ जाएगा। तो ये मैंने अपनी देवरानी के लिए लिया है, क्योंकि जब यहाँ पे साधना आई थी ना उसको आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, उसको इस टाइप के जैगिंग लेने थे
और जब मैं उसके साथ शॉप पे गई तो मुझे नहीं मिला था, तो मुझे बहुत ना उस टाइम पे बुरा लग रहा था कि मतलब उसको लेना था और मिला भी नहीं। तो मुझे इस टाइम पे ना मतलब कलेक्शन बहुत आए हुए थे, तो मैं सोची कि मैं उसको मतलब उसके लिए भी एक ले लेती हूँ। तो ये मैंने उसके लिए लिया, और फिर ये मैंने एक ना ये इस कलर की जैगिंग मेरे पास नहीं थी तो इसलिए ले लिया, क्योंकि ये ना वाइट कुर्ती के साथ या फिर बहुत सारी कुर्तियों के साथ ना ये मैच कर जाएगा। इसको मैंने डेली वेयर में डालने के लिए लिया है, बट अभी तो अभी सर्दियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी तो ये मैं इस टाइम पे अभी नहीं यूज़ करूँगी, और इसको थोड़ा सा मेरे को फिटिंग करना पड़ेगा, लूज है तो इसको फिटिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे ऐसी लाइनें लगती है मशीन पे, हमें दोनों साइड ना न्यूज़पेपर लगा के तब फिटिंग करना होता है। तो ये तीन जैगिंग मैं लेके आई थी, ये मुझे कितने में पड़ा, 900 में तीनों, मतलब 300 का एक पड़ा, फिटिंग करूँगी। क्या हुआ, स्पर्श खुश होके बैठ गया है। यहाँ पे ना बाहर से आवाज़ आ रही है, पता नहीं कुछ हो रहा है, हमें मालूम नहीं है। ये रहा है स्पर्श, स्पर्श बोल रहा है ना कि बाजा बज रहा है, कुछ पूजा वूजा टाइप का कुछ हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है कि, क्योंकि मुझे लैंग्वेज थोड़ा ना सर समझ नहीं आ रहा है, कुछ इधर का लैंग्वेज है ना इसलिए। क्या खाना है आपको, इधर देखो क्या खाना है। अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और स्पर्श का होमवर्क हो चुका है, एंड अब हम डिनर कर रहे थे ना आज, मैं ना बिल्कुल ना मन नहीं कर रहा था मेरा डिनर बनाने का। मैं बनाने गई थी कितने बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे मैं डिनर बनाने के लिए किचन में गई, एंड उस बीच में ना 10:30 के आसपास मुझे हो गया था, 10:15 हो गया था खाना खाने में, और मेरा मोबाइल आज ऑफ हो गया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऑफ हो गया था, फिर मैंने चार्ज में लगा दिया। उस बीच में मम्मी ने मेरे को 13 मिस्ड कॉल किए थे, मतलब मैं जब ऑन की ना अपना मोबाइल ऑन की उस टाइम पे मैं देख रही हूँ मम्मी का 13 मिस कॉल, क्या बात है। फिर भाई का मैसेज, मम्मी परेशान हो रही है और तुम फ़ोन नहीं उठा रही है, फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर मैं फिर कॉल बैक की ना, हम लोग परेशान हो रहे थे कि तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ है, क्यों ऑफ है, कुछ हो तो नहीं गया। ऐसे मम्मी ना घबरा जाती है जब फ़ोन हमारा मतलब मेरा नहीं लगता है तो बहुत घबरा जाती है। वैसे जाहिर सी बात है वो घबराएंगी, अगर फ़ोन नहीं लगेगा तो घबराएंगी। और अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, पर्स होमवर्क बन गया तो जाइए रख के आइए, और कल बनाना होमवर्क। बस इसने क्या किया ना, हिंदी वाला होमवर्क इसने गलत बनाया है, तो इरेजर मैं इसको दूंगी नहीं अभी, फिर से 3 दिन से कंटिन्यू मैं इरेजर खरीद के लेके आती हूँ और ये उसको ना मतलब तोड़ के फेंक देता है। तो आज मैंने इसको इरेजर नहीं दिया, कल मैं खुद उसको इरेजर से हटाऊंगी और ये देखेगा। चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय करने में बहुत, अगर इनकी मैम आती है ना ट्यूशन वाली तो पता है क्या करता है वो बीच में पढ़ता रहता है, इस बार इधर देखो तो बीच में पढ़ता रहता है और बोलते हैं बाय, मतलब जाओ आप यहाँ से, मत पढ़ाओ मुझे, ऐसे ऐसे काम करता है। चलिए बाय बाय।